बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकलैंड पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नेकराम, प्रॉपर्टी की जो मार्केट पिछले 3-4 माह से स्लो है, इस हवाले से बहुत एक इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आया हूँ। मैसेज क्या है वो आपसे इंशाल्लाह वीडियो के अगले हिस्से में मैं शेयर करता हूँ। पाकीज़ा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुँचते रहें। पिछले 3 माह के अंदर जो कुछ नहीं हुआ, अब आइंदा 2 माह में होने वाला है। दिसंबर और जनवरी प्रॉपर्टी के हवाले से एक बड़ी ट्रिमेंडसली ग्रेट जो है वो सेल्स वाले महीने होने वाले हैं। ओबियसली जिन लोगों ने प्रॉपर्टी बाय करना थी, उन्होंने प्रॉपर्टी ही बाय करनी है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और जगह पे और नहीं लगाई है, रोकी बेशक हुई थी। मुझे कल एक भाई की कॉल मौसूल हुई, कह रहे थे यार प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैंने कहा यार शुक्र करें कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से रेट सस्ते हैं, सस्ते होने पर शुक्र करें। अभी आइंदा जो होने वाला है दिसंबर और जनवरी के अंदर, जंप अप होगा। लोग जो रुके हुए थे, जो सैलाब एक रुका हुआ था, उसके आगे से हार्डल हटाए जाएंगे तो कितनी शिद्दत से प्रॉपर्टी के रेट बनते बढ़ते हैं, यू कांट इवन इमेजिन अबाउट इट। तो दिस इज़ परफेक्ट टाइम फॉर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। वो लोग जो किसी हेजिटेशन का शिकार थे, परेशान थे या रुके हुए थे या डर का शिकार थे, आप रिसर्च करें और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लें। ये फाइनल महीना है, नवंबर का महीना आखिरी महीना है इस रेट पर प्रॉपर्टी मिलने का। आगे दिसंबर और जनवरी में प्रॉपर्टी के रेट्स जो हैं वो हाथ में नहीं आने वाले हैं। तो ये एक सिंपल मैसेज था, आप बेशक इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, मेरी वीडियो लेके रख लीजिएगा और फिर देखिएगा कि प्रॉपर्टीज़ कितने ज़्यादा रेट्स को जंप अप करती है। तो दिस शुड बी इन योर माइंड एंड कंसिडरेशन टू। प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइमिंग होती है, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ। तो दिस इज़ परफेक्ट टाइमिंग टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। आगे रेट बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टी के रेट हाथ नहीं आने, हो सकता है हम लोग भी आपको प्रॉपरली इस तरह लिफ्ट ना करवा रहे हो। तो दैट्स ए क्लियर मैसेज टू यू पीपल। तो बाकी है कि यार किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो आप अपने भाई को याद कर सकते हैं। इस वक्त मैं शेप्स में मौजूद हूँ, जिसके पीछे हमने एक वीडियो भी आपके सामने रखी थी। शेप्स के हवाले से कुछ फाइनलाइज हो रही हैं चीज़ें, कुछ प्रोसीजर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे, और जब फाइनल शेप में आएगी वीडियो इंशाल्लाह चीज़ें आएंगी तो आपके सामने वो रखेंगे। इसके अलावा भी एक बड़ा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फेज़ 2 के अंदर कंप्लीशन के मराहिल में, वो भी आपके सामने रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट जो है वो न्यू ईयर के हवाले से हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो उन चीज़ों से जुड़े रहने के लिए पाकीज़ा टीवी पाकलैंड को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंशाल्लाह आपके सामने जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम रखेंगे। रहमान डेवलपर के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या राजीव गार्डन में आप करना चाहते हैं, अपने भाई को याद कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा मैसेज था, इंशाल्लाह मज़ीद मैसेजेस के साथ आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।